हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार विजय थलापति की लियो मूवी के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आखिर इस मूवी ने आज दुनिया भर में कितने रुपए की कमाई की है, इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आप विजय थलापति को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लियो मूवी 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी है, लेकिन अब टाइगर 3 मूवी के रिलीज हो जाने के कारण लियो मूवी के भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये मूवी दुनिया भर में कमाई करने के मामले में पीछे नहीं हट रही है। यहाँ तक कि तमिल भाषा में सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी टाइगर 3 विजय थलापति की लियो मूवी को दुनिया भर में कमाई करने से नहीं रोक पा रही। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित लियो मूवी ने भारत के साथ साथ दुनिया भर में बहुत अच्छी शुरुआत की। थलापति विजय की फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 25वें दिन भी फिल्म दुनिया भर में करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक 25वें दिन संजय दत्त, विजय थलापति, कृष्णा कृष्णन और लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित फिल्म दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। लियो मूवी की अब तक की दुनिया भर में कमाई लगभग 600 करोड़ 36 लाख रुपए हो चुकी है। थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर लियो मूवी ने तमिल भाषा में कमाई के मामले में रजनीकांत की जेलर मूवी को पछाड़ दिया है। हालांकि अब थलापति विजय की फिल्म लियो दुनिया भर में जेलर को पछाड़ने की तैयारी कर रही है। जेलर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लियो मूवी को सिर्फ 7 करोड़ रुपए कमाने होंगे। आपको बता दें कि थलापति विजय की लियो इस साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।